सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मीट एंड आई की अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू। और ये मीट एंड आई जो है, ये मैंने दो यूनिट्स मंगवाए थे, एक अपनी वीडियोस के लिए एंड एक गिव अवे के लिए। तो जल्दी से हम लोग करते हैं इस मीट एंड आई की अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें क्या मिलता है। और ये है एक अमेजोन रिटेल यूनिट, तो करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सील्स को ओपन करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ की कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, जैसे इसका 108 मेगापिक्सल का AI रेयर कैमरा विथ EIS और 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G HDR10 120 हर्ट्ज़ की इंटेलिजेंट एडेक्टिव सिंक डिस्प्ले एंड 4820 mAh की बैटरी, जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ से मैं जल्दी से सील ओपन कर लेता हूँ। अब मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको एकदम उससे करके दिखाऊं, बट यहाँ से मैंने जो सील्स हैं उसको ओपन कर लिया है। ये ओपन होता है हमारा डिवाइस, तो यहाँ पर हमको ये जो ऊपर की केसिंग है ये सिंपल मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग साइड करते हैं। सबसे पहले हमको एक यहाँ पे यूनिट मिलती है जिसके अंदर लिखा है डिज़ाइन बाय Xiaomi, और यहाँ पर हमें को और बाकी सब कुछ नहीं मिलता है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमको एक सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाता है। देन इसके अंदर हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस एंड एक सॉफ्ट सा TPU केस मिल जाता है, जो कि मीट एंड आई डिवाइस को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा एंड क्वालिटी अच्छी है। इसको भी थोड़ा साइड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने डिवाइस को निकाल लेते हैं। तो ये रहा डिवाइस, इसको मैंने मंगवाया था यही इसके ऑरेंज एंड ब्लू वाले कलर के अंदर। इसको हम लोग जरा सा साइड पर रखते हैं, थोड़ा बॉक्स कॉन्टेंट देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो एक रेड एक्सेंट के साथ आने वाली टाइप सी केबल मिल जाती है, जो कि रेड एक्सेंट के साथ आती है। उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे एक 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि आप लोगों की बैटरी को एक घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा। यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट है वो सब एकदम सही मिलती है, और 33 वॉट का Xiaomi का चार्जर है। सारा पूरी मेरी टेबल मैस हो गई, इसके बाद अब कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। बॉक्स को हम लोग करते हैं साइड, इस सील को करते हैं ओपन। तो वाओ गाइस, रियली में डिवाइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है भाई। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट है। और हम लोग यहाँ पे जो स्टिकर्स आते हैं उनको थोड़ा साइड में निकाल देते हैं पहले। सो रियली में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये जो डिवाइस है इतना ज़्यादा गुड लुकिंग होगा। यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं फर्स्टली बूट अप। अब देखते हैं इसके अंदर बैटरी है कि नहीं। सो बूट हो गया, एंड रियली में अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी जो इन हैंड फील है वो रियली में बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर जो कैमरा बम्प है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो कैमरा बम्प है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और इसके अंदर हमको MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे सेटअप करके आप लोगों को मिलता हूँ। यहाँ पे जो फ़ोन का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। मीट एंड आई को मैंने यहाँ पे टोटली सेटअप कर दिया है। इसके अंदर आप लोगों को MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे कुछ ऐप्स लोडिंग हो रहे हैं एंड हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या ब्लॉटवेयर्स हैं। इसके अंदर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मुझको 40% जो बैटरी थी वो चार्ज मिली थी, कोई नहीं इतना तो चलता है। और उसी के साथ साथ इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज इसके अंदर हमको मिल जाता है इंटीग्रेटेड 5G रेडी प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। अब आने वाले रिव्यू में हम लोग बात करेंगे पूरी कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स में, और इसका मैं आज या फिर कल आप लोगों को गैलेक्सी M51 के साथ टोटल एक कंपेरिजन करके दिखा दूंगा। आप लोगों को फिर देख के बताना होगा कि कैसा लगता है ये। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे देख लो MIUI 12 मिल जाती है। MIUI 12 के अंदर आप लोगों को तो पता ही है कितने ज़्यादा कचड़ा है, बट कोई नहीं, इसके अंदर वैसे Xiaomi ने इतना कचड़ा डाल के दिया नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट फ़ोन के अंदर आकर देखें तो आप लोगों को ये देख लो MIUI 12 मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को MIUI के बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ की
स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रियली में जो इसका 120 हर्ट्ज़ के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को स्क्रोलिंग एंड बाकी सब चीज़ों की दिखाऊँ तो जो 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एंड उसी के साथ साथ इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब ये वीडियो तो मैं रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, ये बस अनबॉक्सिंग वीडियो थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो दो यूनिट्स मंगवाई थी उसका मैं सेकंड यूनिट आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया जो मैंने दो यूनिट्स बुक करी थी। उसी के साथ साथ इस बॉक्स के अंदर दूसरी इसकी यूनिट है, तो ब्लैक कलर की यूनिट है। ये यूनिट आप लोगों के लिए है, आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ पे जो वीडियो है उसको एक लाइक करके वहाँ पे आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। रैंडम कमेंट के कमेंट पिकर के थ्रू हम लोग वहीं से कमेंट्स को उठाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।